何？お前はもう死んでいる。Hello guys, welcome back to my channel. आपने thumbnail में तो देख लिया हो कि आज हम बनाने वाले हैं ultimate monster Beyblade जो पूरा metal का होगा और सबसे ज़्यादा strong भी होगा. वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए शुरू करते हैं. ये अल्टीमेट बेबलेट बनाने के लिए मैं सबसे पहले ये जो बाइक में लगा रहती है इलेक्ट्रिक कॉइल, इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, ये अपनी फ्यूजन व्हील बनेगी. उसके बाद मैं दो ये बेरिंग ले लेता हूँ जो इसके ऊपर और इसके नीचे लगेगी. आप वाइसर भी लगा सकते हैं बड़े वाले, और ये दो वाइसर और ये बड़ा वाला नट, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए. और ये जो बाइक में नट लगा रहता है वो जो हमारी टिप बनेगा. अब इन सबको जोड़ लेते हैं. मैं इसको सीधे से टाइट कर लेता हूँ. पूरा जुड़ने के बाद कुछ ऐसा लगेगा. शायद ही इसको लॉन्चर घुमा पाए, देख लेते एक बार चला के इसको. जो सीधे से खड़ा भी नहीं हो रहा है, नहीं घूम पाएगा शायद, देख लेते हैं. लॉन्चर ही टूट जाएगा, ये तो बहुत तेज घूम रहा है. ये अपनी आधी स्पीड में भी नहीं घूम रहा है क्योंकि लॉन्चर इसको पूरी स्पीड में घुमा ही नहीं पाया है. इसको इसलिए हाथ से ही घुमाना पड़ेगा. इसको घुमाने में लॉन्चर ही खुल गया, तो पहले मैं इस लॉन्चर को जोड़ लेता हूँ, उसके बाद हम इसकी बैटल करा के देखेंगे इसके साथ. इसको मैं अपने हाथ से घुमाने वाला हूँ और इसको लॉन्चर से, मेरे को नहीं लगता ये जीत पाएगा. एक ही बार में बाहर हो गया ये तो. फिर से चला के देख लेते हैं. एक और बार बाहर हो गया. फिर से ये स्टेडियम आउट हो गया. मेरे को तो नहीं लगता और टिक पाएगा ये, कि बार बार ही स्टेडियम आउट हो जाता है. इससे शायद ही कोई जीत पाए क्योंकि ये भी पूरा मेटल का बना हुआ है, ये भी जीत नहीं पाया. तो शायद ही इससे कोई जीत पाएगा. प्लास्टिक सीरीज़ और बर्श सीरीज़ के तो नहीं जीत पाएंगे, मेटल सीरीज़ का कोई सा जीत जाए तो पता नहीं. अल्टीमेट बेबलेट है ये. आपको ये बेबलेट कैसा लगा कमेंट से बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.